हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम गीता पाठशाला पर। हम आपके लिए लेके आए शॉर्ट रिवीजन क्लास जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो आज हम राजस्थान के जिलों के उपनाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो पहला जिला है जोधपुर। जोधपुर को राजस्थान का ब्लू सिटी, नीला शहर या नीली सिटी के नाम से जाना जाता है और मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और सूर्य नगरी और सन सिटी और सुनहरा शहर के नाम से भी जोधपुर को ही जाना जाता है। और रेगिस्तान का केंद्र जो है वो भी जोधपुर ही है। और भारत की जो बेर की राजधानी है वो भी जोधपुर ही है। और हैंडीक्राफ्ट सिटी और मरुस्थल का सिंह द्वार और राज्य की जो विजय नगरी है वो भी जोधपुर को ही कहा जाता है। और राजस्थान की जो संस्कृति की राजधानी है वो भी जोधपुर ही है। तो दूसरे नंबर पर जैसलमेर है जो राजस्थान के अंडमान के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी जैसलमेर को कहते हैं। और हवेलियों का शहर और पीले पत्थरों का शहर और रेगिस्तान का गुलाब भी जैसलमेर को ही जाना जाता है। और जरोखों की नगरी और पंखों की नगरी के नाम से भी जैसलमेर को ही जाना जाता है। और म्यूजियम सिटी और गलियों का शहर और बांधदरा के नाम से प्रसिद्ध भी जैसलमेर ही है। और जयपुर तीसरे नंबर पर है। जयपुर जिसे हम पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाते हैं। और पूर्व का पेरिस और सिटी ऑफ आइसलैंड के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। और हेरिटेज सिटी और रंगसरी द्वीप और वैभव द्वीप के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। रतन नगरी और पन्ना नगरी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। और राजस्थान की जो राजधानी है वो भी जयपुर ही है। और सिंधु सभ्यता के तर्ज पर बसा हुआ शहर भी जयपुर ही है। और उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर को मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट और जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को ही कहते हैं। और सैलानियों का स्वर्ग व फाउंटेन का शहर लेक सिटी ऑफ इंडिया और एशिया का वियना ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति पर भी उदयपुर ही है। और जिंक नगरी और तस्तरी बेसिन पर बसा हुआ शहर भी उदयपुर ही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर राजस्थान का हृदय, राज्य का नाका और राजपुताना कुंजी के नाम से जाना जाता है। और भारत की मक्का भी अजमेर को कहा जाता है। अरावली का अरमान भी अजमेर को कहते हैं। और राज्य की जो अंडे की टोकरी है उसके नाम से भी अजमेर को जाना जाता है। और सांप्रदायिक सौहार्द की का शहर भी अजमेर ही है। और जब हम कोटा की बात करते हैं तो राज्य का कानपुर कोटा को जाना जाता है। और शिक्षा का तीर्थ स्थल भी कोटा को कहा जाता है। और राज्य का नालंदा भी कोटा को कहा जाता है। राज्य की औद्योगिक नगरी या राजधानी भी कोटा को कहा जाता है। और उद्यानों का नगर भी कोटा को कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ शहर या राज्य का सोया जिला भी कोटा को कहा जाता है। और सातवें नंबर पे है झालावाड़। झालावाड़ को राज्य का नागपुर कहते हैं क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरा का खेती जो है वो उत्पादन झालावाड़ के अंदर होता है इस कारण। और भारत में सबसे ज्यादा नागपुर महाराष्ट्र में होता है इसके कारण राजस्थान का जो नागपुर है वो झालावाड़ को कहा जाता है। और राजस्थान का चेरापूंजी भी झालावाड़ को कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में एक स्थान है चेरापूंजी वहां पर होती है। तो और राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है इसलिए राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है। और विरासत का शहर भी झालावाड़ को कहा जाता है। और आठवें नंबर पर है अलवर जो राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय राजधानी में भी शामिल है। और राज्य का सिंह द्वार भी कहा जाता है। और राज्य का पूर्वी कश्मीर के नाम से भी अलवर को जाना जाता है। और जब हम भरतपुर की बात करते हैं तो राजस्थान का प्रवेश द्वार और राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भी भरतपुर को कहा जाता है। इसके आगे जो है वो बीकानेर है। बीकानेर को ऊन का घर और रातिघाटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर जिले को राजस्थान का अन्नागार और बागवानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर नागौर है। नागौर को औजारों की नगरी और राजस्थान का धातु नगर के नाम से जाना जाता है। फिर हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा फल उत्पादन होता है। और फिर बाद में झुंझुनू है। झुंझुनू को तांबा जिला के नाम से जाना जाता है क्योंकि झुंझुनू के खेतड़ी गांव के अंदर सबसे ज्यादा तांबा निकलता है इसलिए खेतड़ी झुंझुनू को भी तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर सीकर है। सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर धौलपुर है। धौलपुर में लाल पत्थर की वजह से इसे रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है। फिर करौली है। करौली को डोंग की रानी के नाम से जाना जाता है। और बूंदी है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बावड़िया है और इसको वृंदावनवती के नाम से जाना जाता है। और अजात
वैभव नगरी के नाम से भी जाना जाता है और सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में फिर 12 है, 12 को वराह नगरी और मिनी खजुरा बंड देवरा को जाना जाता है, और प्रतापगढ़ है उसको राज्य की राजा नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में डूंगरपुर है, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर रासमंद है, रासमंद को राजस्थान की थर्मोपोली, इसके रासमंद के अंदर जो हल्दी घाटी है जहां महाराणा प्रताप हुआ अकबर की सेना के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली के नाम से जाना जाता है। सिरोही है, सिरोही के अंदर जो आबू पर्वत है उसको राजस्थान का हिमालय या राजस्थान का या हिमालय का शिमला के नाम से जाना जाता है, और जो आबू है उसको राजस्थान का बरकियोंसक कहते हैं, जो रूस के अंदर सबसे बड़ा ये मतलब सबसे ठंडा शहर है, इसी वजह से यहाँ पे भी बर्फ जमी रहती है इसलिए इसे बरकियोंसक कहते हैं। और बाड़मेर है, बाड़मेर को राजस्थान की थार नगरी और राजस्थान का खजुरा जो किराडू है उसको कहते हैं। और फिर बाद में भिलवाड़ा है, भिलवाड़ा में राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, और इसे वस्त्र नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कपड़ों का जो है वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। और इसे अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा अभ्रक निकलता है, और इसे टेक्सटाइल सिटी और जो मिनरल के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान का जो ताजमहल है, राजस्थान का ताजमहल के नाम से जसवंतथड़ा जोधपुर को जाना जाता है, और राजस्थान का सेकंड ताजमहल है जो अबलिमिनी का महल या देवराड़ा मंदिर को जाना जाता है। थैंक यू, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।